सागर के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के सेवा दे रहे NHM संविदा कर्मियों ने 15 तारीख से प्रस्तावित प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल के पूर्व अंतिम बार शासन स्वास्थ्य विभाग को उनके हितों से संबंधित लंबित मांगों के निराकरण की आवाज मुखर करते हुए नींद से जागने अपने चरणबद्ध आंदोलन के तहत काले गुब्बारे छोड़कर चेताने का काम करते हुए मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। आयोजित प्रदर्शन के माध्यम से उनकी मांगों की लिखी तख्तियां को काले गुब्बारे के सहारे हवा में छोड़कर शासन की संविदा स्वास्थ्य कर्मी के भविष्य के प्रति उदासीन नीति पर नारेबाजी करते हुए विरोध भी दर्ज कराया गया। इस दौरान प्रमुख रूप से नियमितकरण, स्थायीकरण और निष्कासित कर्मियों की बहाली के साथ 2018 जून में कैबिनेट में पारित संविदा कर्मियों के हितों से संबंधित नीति का लाभ दिए जाने की मांग उठाई गई। क्यों उड़ाए हुए हैं? देखिए, इस मध्य प्रदेश शासन द्वारा लगातार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो NHM के 32,000 कर्मचारी हैं और इसमें कार्यरत कर्मचारी भी हैं और हजारों की संख्या में निष्कासित कर्मचारी भी हैं, उन कर्मचारियों की सुरक्षित भविष्य की मांग को लेकर लगातार संगठन संघर्षरत रहा है लंबे समय से, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा लगातार हितों की अनदेखी हुई है और इसके चलते हमने 7 तारीख से चरणबद्ध आंदोलन जो है प्रदेश स्तर से घोषित हुआ है, जिसमें सारे 51 जिला मुख्यालयों पर ये 7 दिन की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिसमें ये काले गुब्बारे छोड़ने का एक कॉन्सेप्ट आज का रखा है, जिसमें हम ये गैस वाले बलून उड़ा रहे हैं जिसमें हमारी मांगें लिखी हुई हैं। क्या मांगे हैं आपकी? क्या मांगे हैं? मांगों को लेकर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? नियमितीकरण, स्थायीकरण और निष्कासित कर्मचारियों की बहाली हमारी मूल मांग है। इसके अलावा शासन द्वारा एक कैबिनेट ने 5 जून 2018 में एक नीति पारित की थी संविदा कर्मचारियों के कल्याण के लिए, वो भी 4 साल से हम लोगों को उसका लाभ भी नहीं दिया गया। तो इन मांगों को लेकर हम कहीं ना कहीं ये बलून उड़ा रहे हैं, आज गुब्बारे उड़ा रहे हैं जिन गुब्बारों में मांगें लिखी हुई हैं, और हम ये ईश्वर से प्रार्थना कल्पना वो करके एक प्रार्थना करके उड़ा रहे हैं कि ये मांगें बलून के माध्यम से ही सही हमारे किसी जनप्रतिनिधि, हमारे मुख्यमंत्री जी तक पहुँचें और वो इस पर संज्ञान लें।